शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जिन रंगों के इस संसार से आलोपित होने के कारण मेरे भाई अरुणासुर का वध हुआ था, आज उन्हीं रंगों को समाप्त करके मैंने संसार से मिटा दिया है हर मनुष्य के जीवन से रंग, हर प्रसन्नता, हर आनंद। अब मैं पूर्ण करूंगी अपना प्रतिशोध ब्रजवासियों के साथ साथ उन सभी का वध करूंगी जो युगों से होलिका दहन करते आ रहे हैं। तो फिर संसार के रंग वापस कैसे आ रहा था? रंगों के बिना ये संसार उदासीन हो गया था, लोगों के जीवन से उनका आनंद छीन गया था। वे हर क्षण व्याकुल रहने लग गए थे, उनकी जीवन की सारी आशाएं समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि रंगों में जीवन की अभिलाषा और सौंदर्य का वास होता है। हाँ राज, रंगों के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, परंतु देवताओं ने रंगों को प्राप्त करने के लिए क्या किया? रंगों को वापस लाने का देवताओं के पास कोई मार्ग नहीं था, इसलिए उन्होंने माता पार्वती की आराधना की। तब माता पार्वती ने देवी भ्रमरी का रूप धारण किया था। देवी भ्रमरी का रूप? पर वो क्यों राधा? क्योंकि भ्रमर ही तो फूलों के रस से मधु बनाते हैं, इसलिए उनके मधु में ही तो फूलों का रंग और उनका अस्तित्व शेष रहता है। इसलिए देवी भ्रमरी के स्वरूप से असंख्य भंवरे निकले और वो पूरी सृष्टि में फैल चुके थे। तब उन्होंने अपने मधु को विसर्जित किया, तब रंग इस संसार में पुनः वापस आ गए। मैं समझ गया राधा, तुम्हारी इस कथा से फूलों के रंगों को वापस लाने का मुझे मार्ग मिल गया है। अब हमें भ्रमरी देवी की पूजा करनी होगी, उन्हें पुकारना होगा, क्योंकि अब केवल भ्रमरी देवी संसार के इस संकट को दूर कर सकती है। अब केवल वही हमारे ब्रजमंडल के रंग को लौटा सकती है। होलिका में लगने वाले सारे रंग कैसे समाप्त हो सकते हैं? यदि ये संभव भी है तो कैसे संभव है? इसके पीछे क्या माया हो सकती है? नंदरानी, मैंने पूरे ब्रज मंडल में ढूंढा पर पूजा में लगने वाले पुष्प कहीं नहीं मिल रहे, और तो और होली में लगने वाले रंगों का भी कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है पुष्पा, ऐसा कौन कर रहा है? कौन है इस महासंकट के पीछे? काकी, काकी, ये सारा अनर्थ होलिका ही कर रही है। हाँ काकी, ये होलिका का लाया हुआ ही संकट है। ये कैसे संभव है? होलिका का तो युग पूर्व अंत हो चुका है, और इस युग में होलिका का अस्तित्व संभव कैसे है? और वो फूलों और रंगों पर संकट बनकर सिद्ध क्या करना चाहती है? काकी, हम प्रतिवर्ष होलिका दहन करते, पर मुझे तो लगता है कि होलिका इसी बात का प्रतिशोध लेना चाहती है हमसे। हाँ काकी, मुझे तो लगता है इसी बात की शत्रुता निकाल रही है होलिका हमसे ये सब करके। तुम लोगों को ये कैसे ज्ञात? क्योंकि हमने उसे अपनी आंखों से देखा है। कहाँ देखा तुमने होलिका को? काकी, उस दिन जब हम दाव के साथ होलिका दहन के लिए होलिका के प्रतिमा के चारों ओर पुअल रखने गए थे। काकी, और हम उसी दिन से होलिका को ढूंढ रहे हैं, पर वो हमें कहीं भी नहीं मिली। इसका अर्थ है कि होलिका ब्रजमंडल में ही है, हमारे आसपास ही कहीं है, पर हमें दिखाई नहीं दे रही। नंदरानी, इसका अर्थ तो ये हुआ कि संकट अब केवल पुष्प और रंगों पर ही नहीं, अभी तो हमारे जीवन पर भी है। काकी, बस एक बार वो होलिका हमें मिल जाए, फिर संकट हम पे नहीं उस होलिका के जीवन पर होगा।
बलराम, यदि होलिका नहीं मिली तो क्या होगा? यदि उसने कोई और रूप धारण किया हो तो हम उसे खोजेंगे कैसे? काकी, वैसे मुझे किसी पे संदेह है। परंतु संदेह पूर्ण रूप से विश्वास में परिवर्तित नहीं हुआ है। संदेह? तुम्हें किस पर संदेह है बलराम? काकी, पनियारिणी काकी पर संदेह है। ना हो ऋषि यही कर रही है सब कार्य, यही मिल लिया होलिका से। इंद्राणी, बलराम सत्य कह रहा है। स्मरण है जब आप होलिका दहन की कथा सुना रही थी तो ये पणिहारी कैसे क्रोधित हो गई थी आप पर? झूठ है ये। बात तो तुम्हारी सत्य है बलराम। काकी, जब तक हमारे संदेह को प्रमाण नहीं मिल जाता हमें होलिका को ढूंढना जारी रखना होगा। चलो सोमनामा। गोपाल, बाबा ने हमें जो भ्रमरी देवी की कथा सुनाई थी वो कथा हमने तुम्हें पूरी सुना दी है। और उस कथा का अर्थ यही है कि जिस किसी ने भी इस संपूर्ण संसार से रंगों को समाप्त किया है उसके द्वारा रंगों को विसर्जित करने से पूर्व ही हमने उसे रोक लिया तो भ्रमरी देवी इस संसार में रंगों को वापस ला सकती है। परंतु यदि एक बार इस संसार से रंगों का विसर्जन हो गया, उनका खंडन हो गया, फिर ये संपूर्ण संसार रंगहीन हो जाएगा। फिर भ्रमरी देवी भी कुछ नहीं कर पाएंगी। गोपाल राधा, इसका अर्थ ये कि यदि ये कार्य होलिका का है तो अवश्य वो रंगों को विसर्जित करने अपने ध्यान स्थल आएगी। मैं वही उसे रोकूंगा। चलता हूँ राधा। अरे गोपाल, गोपाल रुको, हमारी बात तो सुनो। ये गोपाल भी ना अधूरी बात सुनकर चला जाता है। अब यदि भ्रमरी देवी की पूजा करनी पड़ी तो पूजा का विधान कौन बताएगा? क्योंकि पूजा का विधान तो हमें भी ज्ञात नहीं। पर कोई बात नहीं, जब तक गोपाल होलिका को रोकने का प्रयास करता है तब तक हमें भी भ्रमरी देवी को पुकारने का मार्ग ढूंढना ही होगा। मैं तुमसे अधिक कुछ नहीं पूछूंगी, लेकिन जो कुछ भी पूछूंगी उसका सत्य सत्य उत्तर देना। कौन हो तुम? दीदी, मैं एक अभागन निर्धन अबला नारी हूँ। घर घर जाकर जल भरने का कार्य करती, इसलिए स्वयं को पनिहारन कहती। इससे अधिक मेरा परिचय और क्या होगा? बातें बनाने में तो कुशल हो तुम, पर आज मुझे मिश्री का घोल पिलाने से काम नहीं चलेगा। कहां से आई हो तुम? इस गांव से पहले किस गांव में क्या कार्य करती थी तुम? नंदरानी, यदि मुझे अपने घर का पता होता तो मैं यहाँ ब्रजमंडल में क्यों आती? बस आप ये समझ लीजिए कि हरि के द्वार आई हूँ और मोक्ष की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मोक्ष? मोक्ष तो हम लोग तुम्हें अवश्य दे देंगे। यदि तुमने अपना सत्य नहीं बताया तो, क्योंकि जब से तुम इस ब्रज मंडल में आई हो तब से यह अनर्थ आरंभ हुआ है। आप लोग भयवश संयोग को संकट का नाम दे रही हैं, किंतु ब्रज मंडल में इन सभी संकटों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, यदि ब्रज मंडल से प्रकृति रंगों का अदृश्य होना, कान्हा के सखाओं का होलिका का दिखना और मेरी होलिका कथा पर तुम्हारा क्रोधित होना, ये सभी संकट यदि तुम्हें संयोग लगते हैं तो फिर ये बता दो कि कल घड़ों में जल भरकर तुम होलिका दहन स्थल क्यों गई थी? वो नंदरानी, मैं होलिका दहन के जगह
पर जल लेकर इसलिए गई थी ताकि मैं होलिका देवी को शांत कर सकूं। होलिका देवी के क्रोध की वजह से ब्रजमंडल पे जो संकट आ रहा है उसे शांत कर सकूं, उसे समाप्त कर सकूं। तुमने कहा और हमने मान लिया? कदापि नहीं। मुझे तो लगता है तुम्हें कंस ने भेजा है। तुम कंस के द्वारा भेजी हुई कोई असुरी हो, इससे तो तुम्हारे आते ही इतने सारे संकट खड़े हो गए। पापी हो तुम। बस कीजिए नंदरानी, बस। पापी नहीं हूं मैं। मुझे क्षमा कीजिए नंदरानी, किंतु कोई भी यदि मुझे पापिन कहता है तो मुझे अत्यधिक क्रोध आ जाता है। मुझ पर क्रोध न करें नंदरानी, मुझे क्षमा कर दें। इस अबला पर दया करें। हम सभी ने देख लिया कि कितनी अबला हो तुम। अभी अभी एक क्षण के लिए ही सही, तुम्हारा वास्तविक रूप हम सब ने देखा है, इसलिए तुम अभी और इसी क्षण यहाँ से निकल जाओ। ऐसा मत कहिए नंदरानी, मुझे क्षमा कर दीजिए। बड़ी कठिनाई से मुझे यहाँ जल भरने का कार्य मिला है, जीवन जीने का सहारा मिला है। मुझसे ये सहारा न छीने नंदरानी। सांप को दूध पिलाने से उसका विष कम नहीं होता। यदि तुम स्वयं यहाँ से नहीं गई तो हमें ग्वाल वालों को बुलाना होगा। आप भी तो स्त्री हैं, स्त्री का दर्द समझिए। कम से कम होली तक मुझे यहाँ रहने दें। यदि तुम प्यार से नहीं मानी ना, तो तुम्हें दंड देकर पूरे ब्रज मंडल से निकालूंगी। निकलो यहां से। ठीक है नंदरानी, यदि यही आप लोगों का अंतिम निर्णय है तो मैं यहां से चली जाती। जैसी हरि की इच्छा, वही इस दुखियारी का सहारा है। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। अब मुझे निष्कासित करके क्या लाभ है नंदरानी? होलिका ने जो कार्य आरंभ किया था, अब तो वो अपना रूप लेने लगा है। अब तो मैं यहां से तभी जाऊंगी जब मैं ब्रज मंडल की एक एक गोप गोपियों को भस्म कर दूंगी। इस खंडित घड़े के जल स्पर्श करते ही इसका सतरंगी हो जाना, इसका एक ही अर्थ है कि होलिका ने होली के रंगों को नष्ट करने का प्रयास किया। उसी ने सारे ब्रज के होली के रंग को चुराकर इस अधर्म को करने का प्रयास किया होगा। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि होलिका ब्रज में ही है। अब इससे पूर्व की होलिका को अनर्थ करे, ये होली के रंगों को सदा सदा के लिए समाप्त करे। हमें होलिका दहन से पूर्व भ्रमरी देवी की पूजा कर सभी फूलों के रंगों को वापस लाना होगा। अन्यथा यदि होलिका चली जाएगी तो फिर कुछ भी करना संभव नहीं होगा। कान्हा, पनिहारिन काकी, आप यहाँ? कान्हा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। पर क्यों काकी, बात क्या है? नंदरानी ने पुनः मुझे अपने कार्य और घर से निष्कासित कर दिया है। परंतु मैया ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि उन्हें संदेह है कि ब्रज में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है। पर ये तो सत्य नहीं है काकी। किंतु मैं ये ब्रज के लोगों को कैसे समझाऊं कि कोई होली नहीं मना पा रहा है, तो इसमें मेरा क्या दोष है?
ब्रज से होली के रंग आलोपित हो गए हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो स्वयं अपने दुखों की मारी। काकी, यदि आपका इसमें कोई दोष नहीं है तो अकारण आपको भी किसी को दंडित नहीं करने दूंगा। काना, इस पूरे ब्रज मंडल में केवल तुम ही हो जो दूसरों के दुख को समझते हो। इस ब्रज में केवल तुम ही हो जो मेरे प्रश्नों के साथ खड़े हो। कान्हा, मैंने सुना है कि तुम्हारे ऊपर भी कंस के असुरों का बहुत बड़ा संकट आया था, किंतु तुमने भय मुक्त होकर सबका सामना किया। हाँ काकी, क्योंकि संकट उसे भयभीत नहीं होना चाहिए। अभी तो उसे लड़कर उस संकट को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। कान्हा, तुम्हारे कारण ही मैं ब्रज में रहना चाहती, पर लोग तो मुझे अपने दुख में भी शामिल नहीं करना चाहते। इसमें लोगों का कोई दोष नहीं, वो बस अपने सम्मुख इतना बड़ा संकट देखकर भयभीत हो गए, वे इस बात से चिंतित हो उठे हैं कि वे अपना प्रिय होली का त्योहार नहीं मना पा रहे। किंतु कान्हा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब पूरे ब्रज मंडल से होली के सभी रंग विलुप्त हो गए हैं, होली मनाने से ब्रज में इतने बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, तो भी लोग अपना जीवन संकट में डालकर होली क्यों मनाना चाहते हैं? लोग छोड़ क्यों नहीं देते होली का दहन करने का अपना हठ? क्या मिल जाएगा उन्हें होली का दहन करने से? काकी, ये संसार होली का दहन इसलिए मनाते क्योंकि उससे ठीक एक दिन पूर्व एक भक्त प्रहलाद के विश्वास की जीत हुई थी। सब लोग होली का दहन इसलिए करते हैं क्योंकि बुराई पर अच्छाई की, अधर्म पर धर्म की विजय का त्योहार है। होली का उत्सव मनुष्य को ये विश्वास दिलाता है कि अधर्म चाहे कितना ही शक्तिशाली हो, पर अंत में उसकी पराजय निश्चित है। इसलिए होली का उत्सव संपूर्ण संसार के लिए इतना महत्वपूर्ण है काकी। इसलिए काकी, यदि होलिका ने लोगों से उनके इस विश्वास को छीनने का प्रयास किया, यदि उसने होली के उत्सव में कोई अवरोध उत्पन्न किया तो उसका दंड उसको अवश्य मिलेगा, क्योंकि ब्रजवासियों को होली का उत्सव मनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वचन है। कान्हा, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, होलिका अपना प्रतिशोध लेकर रहेगी। तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, किंतु इस वर्ष ब्रज मंडल में होली का उत्सव नहीं मनेगा। होलिका, तुम कितनी अभिशाप्त कि नारायण तुम्हारे सम्मुख होकर भी तुम्हें पहचान नहीं रहे। संसार में इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि तुम नारायण अवतार कान्हा से प्रतिशोध लेना चाहती हो। होलिका, तुम ये जानती हो कि नारायण अवतार कान्हा ही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं, फिर भी तुम उन्हें रोकना चाहती हो। यदि तुम सच में धर्म के साथ होती तो अब तक प्रभु कान्हा से क्षमा मांग चुकी होती और तुम्हारे जीवन का उद्धार हो चुका होता और इस असुरी जीवन से तुम्हें मुक्ति मिल चुकी होती। पर अपने अहंकार में तुम प्रभु कान्हा की ही परीक्षा ले रही हो और फिर भी प्रभु कान्हा वो लीला रच रहे हैं जिससे तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार दंड मिल सके और इस पापमयी जीवन से मुक्ति मिल सके और तुम अधर्म को त्याग कर धर्म के मार्ग को ग्रहण कर सको। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस संकट को कैसे दूर करूं। मैया, रंगों को वापस लाने का मार्ग मिल गया है। कैसा मार्ग कान्हा? मैया, हमें भ्रमरी देवी की पूजा करनी होगी
केवल भ्रमरी देवी ही है जो इस संकट में हमारी सहायता कर सकती है। पर कान्हा, भ्रमरी देवी हमारी सहायता कैसे कर सकती है? मैया, एक बार पहले भी वो संसार में प्रकृति का साथ दे चुकी है। एक बार पहले भी संसार से फूलों की सुंदरता और उनका रंग चला गया था, तब भ्रमरी देवी ने अपनी कृपा से उन्हें वापस लाया था। पर लल्ला, मुझे तो भ्रमरी देवी की पूजा के विधि विधान का कुछ ज्ञान नहीं है। मैया, मैंने सब ज्ञात कर लिया है। कल प्रातः काल से ही हम भ्रमरी देवी को अपने घर में स्थापित कर उनकी पूजा आरंभ करेंगे और जितने रंग काले पड़ चुके हैं उन्हें गंगा जल में मिलाकर माता को अर्पित कर उनकी आराधना करेंगे। फिर माता की कृपा से वो जल शहद में बदल जाएगा और जैसे उन शहद से हम माता का अभिषेक करेंगे सब रंग स्वयं वापस आ जाएंगे। भ्रमरी देवी का शहद से ही अभिषेक क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो भंवरों की माता है और उन्हें शहद अत्यंत प्रिय है। मैं समझ गई कान्हा, कल प्रातः काल से ही भ्रमरी देवी की पूजा होगी और ब्रजमंडल पर आया ये संकट दूर हो जाएगा। चलो कान्हा, पूजा की तैयारियां आरंभ करते हैं। अच्छा, तो तुम लोग भ्रमरी देवी की पूजा करोगे मेरे चुराए हुए सभी रंगों को वापस लाने के लिए, पर होली खेल कर रहोगे। किंतु इस बार न होली होगी और ना ही होलिका दहन। इस बार केवल ब्रजवासियों का दहन होगा। काना पूजा कर रहा है, बताओ क्या बात है? वो होलिका सबको उपले बना रही है। दाव, हाँ दाव, उसने सुंदर काका को भी उपला बना दिया और कान्हा अपने ही हाथों अपने ही लोगों का करेंगे दहन।